नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ आपके सपने चैनल में। तो देखिए, जो आज का ये मेरा वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो रियल में ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर जो रिटन आर्टिकल में दिया गया था वो आपका एग्ज़ाम उसी टाइम पर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे तो मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड किया आपका, ट्वेल्थ का जो बिहार बोर्ड का आपका एग्ज़ाम होने वाला था 6 फरवरी से, तो उस पर मैंने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आप लोग सोच रहे हो इतना लेट मैं वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन्होंने अपने रिलेटिव के लिए या फिर अपने लिए उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए मेरे से कि सर क्या है, मतलब इस डेट में पेपर होगा या नहीं होगा, कन्फर्म है या नहीं है। तो कई सारे ऐसे कन्फ्यूजन माइंड में आ रहे थे, या कि उन्होंने और कई सारे स्टूडेंट ने तो ऐसा भी बोला कि सर पता नहीं शायद डेट इसका आगे बढ़ गया पीछे हो गया, ऐसे सब माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ अभी। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 6/2/2018 को पेपर स्टार्ट है, और उसके बाद यहाँ पे जो पुराने आपका जो रूटिंग दिया हुआ था उसमें देखिए आपका 6/2/2016/2018 तक लास्ट एग्ज़ाम आपका चलेगा और प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपका 100% सही है कि आपका 6 तारीख को ही पेपर स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन को क्रिएट ना करें, आपका पेपर 6 फरवरी से ही स्टार्ट होगा। जो कि ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, जो भी आपने सब्जेक्ट चुन रखा होगा, आपका पेपर 6 तारीख से ही स्टार्ट होगा। अगर इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको रूटीन भी समझा देना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका आईएससी आईकॉम यानी कि बायोलॉजी जो आईएससी में ले रखा होगा अगर आपने, तो आपका पेपर फर्स्ट सिटिंग में होगा। फर्स्ट सिटिंग कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, आई होप आपने ये देख रखा होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आई होप सभी को समझ में आना ही चाहिए ये सब रूटीन, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, जो मैं आपको फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट सिटिंग कहने का मतलब ये कि 9:45 AM to 1 PM यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है। तो आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा जो आईएससी के स्टूडेंट है, और जो यहाँ पे सब लिख रखा है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये रूटीन आपका बनाया गया है फ्रेंड्स आपके लिए, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद देखिए, आपका सेकंड सेटिंग में जो पेपर होगा वो आपका होगा 1:45 to 5 बजे तक होगा पेपर। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो कि आपका पेपर सेकंड सेटिंग वाला 4:30 या 4:45 में आपको से कॉपी ले लिया जाएगा, ऐसा अक्सर हर एक एग्ज़ाम में होता है। तो आपको टाइम को सेव करके चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इवनिंग वाले एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है, और बिहार में तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है ऐसा होने का। ठीक है, मतलब टाइम पे आपका कॉपी, उससे पहले आपसे कॉपी छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं सब प्रॉब्लम को झेल चुका हूँ, इसलिए मैंने अपना फीलिंग आपके लिए आपके पास शेयर किया फ्रेंड्स। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा होगा आईएससी आईकॉम, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कंप्यूटर साइंस अगर सभी ने ले रखा तो सभी का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। आप सोच रहे होगे एक तीनों का एग्ज़ाम एक दिन में कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें वो बोर्ड डिसाइड करेगी कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा है बगल में आईए, उसके बाद आईकॉम, मतलब जो भी एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट का होगा उसके बगल में लिख रखा है कि आपने क्या चुना है। ठीक, क्या आपका स्ट्रीम है, आपका साइंस स्ट्रीम है या आपका आर्ट्स है या फिर आपका कॉमर्स है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वोकेशनल कोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका लिखा होगा वोकेशनल कोर्स। तो अगर आपने वोकेशनल कोर्स चुन रखा होगा जिसमें आपका मिनिमम पॉसिबिलिटी, मतलब बनती है कि कम ही स्टूडेंट ऐसे कोर्स को लेते हैं, मैक्सिमम आर्ट्स साइंस और कॉमर्स लेते हैं, बाकी वोकेशनल कोर्स अगर चुन रखा होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका वोकेशनल कोर्स का भी एग्ज़ाम यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने। देखिए आपका मैं दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका वोकेशनल होगा आरबी हिंदी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए फाउंडेशन कोर्स होगा, मतलब जो आपने सब्जेक्ट चुना होगा वोकेशनल कोर्स में, तो वो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। और वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख दिया गया, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, और आपने ये रूटीन पहले भी देखा होगा तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला था क्या, कि मॉडल सेट के बारे में डिस्कस करने वाला था। ठीक है, तो मॉडल सेट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका दिया हुआ, मैं कोई नई बातें लेकर नहीं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ना ही मैं
क्लास ट्वेल्थ का टीचर हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा और मॉडल सेट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, और ना ही मेरे को कोई कमीशन मिलेगा कि मैं आपको लिंक दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये मॉडल सेट डाउनलोड करो पढ़ो तो मुझे को फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका दो मंथ के अगर मैं एग्ज़ाम बचा हुआ, एक मंथ एग्ज़ाम बचा हुआ सॉरी, तो अगर कुछ हेल्प हो सके मेरे थ्रू तो मैं उसके लिए बहुत ही आप खुश होऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए जो मैं बता रहा हूँ मॉडल सेट के लिए, तो मॉडल सेट के लिए आपका लिंक यहाँ पे मैं देता हूँ, उसके लिए मुझे कोई ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। और ये जो ब्राउज़र मैंने ओपन किया था, मैंने भी इस पे वीडियो नहीं बनाया था बिहार बोर्ड पे, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट था, देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना कि मैंने खोल के देखा था कि क्या सही में ये टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो मैंने देखा कि नहीं वही सेम का सेम है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था फ्रेंड। ठीक है, वो सजेशन का वीडियो है, मैंने इस पे वीडियो एक भी वीडियो अपना नहीं बनाया। तो ये जो सजेस्ट किया गया था मेरे को फ्रेंड्स ने कि यार कन्फ्यूज़न हो रहा है, या फिर कई सारे स्टूडेंट थे जो मेरे को कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको मॉडल सेट के बारे में बता रहा हूँ वो आपका क्या होगा, इसलिए इसके लिए मैंने एक साइट खोल रखा था यहाँ पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है इसका, आपका BSEB का शॉर्ट में आपको मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, उसके बाद देखिए जब आप खोलोगे तो यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपका लिख रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, यानी कि BSEB शॉर्ट में आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, और उसके बाद 2018 लिख देना तो यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको टच करना। ठीक है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक ये मॉडल सेट को नहीं देखें किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो इस पर प्रोवाइड कराया था आपको, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वो वीडियो प्रोवाइड कराया था कि जो पैटर्न में चेंजिंग हुआ था, जैसे कि पहले आपका 28 नंबर का आता था टिक करने के लिए, तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो संख्या बढ़ाया गया था, तो वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो एक बार वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे लिखना आप बिहार बोर्ड चेंज इन पैटर्न, अगर वीडियो सामने में नहीं आएगा तो बगल में आप लिख देना सिर्फ ASR SSC। ठीक है, मेरा चैनल का स्टार्टिंग अक्षर, तो वहाँ से फिर आपका वीडियो डायरेक्टली सबसे नंबर वन मेरा ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल अभी उतना ग्रो नहीं किया कि मैं आप डायरेक्टली सर्च करो और मेरा वीडियो आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं जो बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये आपका डायरेक्टली खुल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको खोलने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं कोई लिंक वगैरह देना नहीं चाहता, फिर भी मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि लिंक देने से क्या होता है माइंड में कन्फ्यूजन था यार मैं इसका लिंक से खोलूँगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि लिंक से आजकल बहुत ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें फेस करने से, मैं जानता हूँ कि आपसे भी ये सब फेस करते होंगे, तो ये मैं इसलिए लिंक दे देता हूँ कि ताकि अगर प्रॉब्लम हो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या फिर टाइम नहीं हो आपको गूगल खोलो ये करो वो करो, तो डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करो, यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ऐसे इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वैसे मैं रूटिंग वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, और आप को लेने का मन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपना रूटिंग को, जिनके पास है वो अच्छी बात है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास रूटिंग ना हो तो उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप कौन से मतलब ज्योग्राफी 100 मार्क्स का, हिस्ट्री 100 मार्क्स का, ये सब दिया हुआ है, तो मॉडल सेट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना मतलब एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको रिपीट अगेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आएगा अगर खोल नहीं पाओगे तो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, तो उसको कन्फर्म करें कि नहीं ये आपका 6 फरवरी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक यू।